पूर्व मंत्री हेमचंद यादव को मुखाग्नि दी जा रही है। आज उनका अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम में किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और गांव के लोगों के साथ साथ तमाम मंत्री और सीएम रमन सिंह मौजूद हैं। श्रद्धांजलि यहां पहुंचने के बाद सीएम ने दी। तो पूर्व मंत्री हेमचंद यादव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दुर्ग से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम रमन सिंह ने हेमचंद यादव को श्रद्धांजलि यहां पर दी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और बीजेपी कार्यालय में उनकी पार्थिव शरीर को तमाम कार्यकर्ता और लोगों के दर्शनों के लिए रखा गया था। और उसके बाद उनके गृहग्राम की तस्वीरें हैं जो इस वक्त सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री हेमचंद यादव पेट में इन्फेक्शन की वजह से दिल्ली एम्स में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था और कल उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी। तमाम मंत्रियों के साथ साथ सीएम भी यहां पर मौजूद हैं। श्रद्धांजलि उन्होंने दी। लोगों का सैलाब यहां पर उमड़ गया। बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी थे हेमचंद यादव। कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के साथ साथ लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहे। तमाम मंत्रियों के साथ साथ खुद सीएम रमन सिंह वहां पर श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तो नम आंखों से तमाम लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं। पूर्व मंत्री हेमचंद यादव का अंतिम संस्कार इस वक्त दुर्ग के हराबांधा मुक्ति धाम में किया जा रहा है। तो पूर्व मंत्री हेमचंद यादव का अंतिम संस्कार इस वक्त किया जा रहा है। दुर्ग से सीधी तस्वीरें मुक्तिधाम से हम आपको दिखा रहे हैं। काफी लोकप्रिय सरल सहज व्यक्तित्व के धनी थे पूर्व मंत्री हेमचंद यादव। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, स्टार हमारे साथ में बने हुए हैं। स्टार, किसने मुखाग्नि दी, उनके परिवार की तरफ से कितने सदस्य हैं, क्या कुछ लोग हैं उनके परिवार में? तो पूर्व मंत्री हेमचंद यादव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दुर्ग के मुक्तिधाम से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े बेटे स्टार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्टार, उनके परिवार में कितने कुछ सदस्य थे, क्या कुछ जानकारी मुखाग्नि जो दी बड़े बेटे ने दी, कितने सदस्य हैं परिवार में, कुछ पता चल पाया? देखिए, परिवार इनका बड़ा थोड़ा परिवार था, काफी संख्या में यहाँ पर परिवार के सदस्य और रिश्तेदार भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मुखाग्नि उनके बड़े बेटे राजदीप यादव है, उन्होंने उनको अंतिम संस्कार के बाद मुखाग्नि दी है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि साहब की ऐसा कोई लोग नहीं होंगे जो आज इस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं है। और जहां तक मुखाग्नि की बात है, राजदीप यादव है उनके बड़े बेटे, उन्होंने दी है। परिवार इसका काफी बड़ा था और सब एक संयुक्त रूप से एक ही परिवार में रहते थे। आप बिल्कुल स्टार, और तमाम जितने मंत्री और कार्यकर्ता और लोग वहां मौजूद थे, क्या वो इस वक्त मौजूद है, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम संस्कार किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर सीएम रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल समेत कई विधायक मंत्री उपस्थित हुए हैं। कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर शामिल हुए। मूल वजह यह है कि हेमचंद जी जो है जन के नेता थे, वो पार्टी से जरूर बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये छवि अपने ऊपर लगने नहीं दी कि सिर्फ एक पार्टी के ही नेता है।
पूरे दुर्ग शहर की जनता के वो लोकप्रिय थे, और यही वजह है कि आज पूरे अंतिम संस्कार के दौरान या अंतिम यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में दुर्ग शहर के जनता और लोग उनके साथ थे। खास बात यह रही कि जहां जहां से भी अंतिम यात्रा निकली है वहां पर जितने भी प्रतिष्ठान और घर थे वहां की महिलाएं भी बाहर निकली थी अपने जन नेता के अंतिम दर्शन के लिए। चलिए स्टार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो नम आंखों से लोगों ने अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दे दी। पूर्व मंत्री हेमचंद यादव का अंतिम संस्कार आज कर दिया गया।